वर्षों तक वन में घूम घूम वाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेश लाए। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन में। और जैसा मैंने पिछले इतवारी मोटिवेशन में आपसे वादा किया था कि मैं कोशिश करूंगा कि अपने ही बीच से कुछ ऐसे व्यक्ति जो सफल हैं अपने फील्ड में, मैं उनके साथ आपका अगला इतवारी मोटिवेशन लेके आऊंगा। तो आप सभी का प्रेम रहा, स्नेह रहा और सौभाग्य रहा हम सभी का कि हमारे बीच एक सफल अधिकारी, मैं कहूँगा कि एक सफल अधिकारी हमारे साथ हैं और आज उनसे हम अपना इतवारी मोटिवेशन शुरू करेंगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा सबसे पहले। तो आज हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, है ना, तो मैं सर कहूंगा या भैया कहूंगा, तो आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा, है ना, दो में से कोई एक चीज आप संबोधन ले लीजिएगा। और आज हमारे साथ जो है वह अनुराग शर्मा हमारे साथ है और वर्तमान में CTI पद पे, कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर पद पे आप चयनित हैं। तो सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस हमारे इतवारी मोटिवेशन कार्यक्रम में आप जुड़े और आज आप हमारे साथ चर्चा करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस इतवारी मोटिवेशन में। जी धन्यवाद कि आपने मुझे इसके लिए भी काबिल समझा। जी मेरा नाम अनुराग शर्मा है, मैं सन 2013 MPPSC बैच में CTI पद पर चयनित हुआ था और तब से भी अभी तक भी मैं निरंतर अपने पद को सुधारने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो अनुराग सर, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे आपने MPPSC और क्या चीजें रही, कैसा बैकग्राउंड था आपका, उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दीजिए। जी मैं सर्वप्रथम मैं कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुआ था MPPSC 2013 बैच में। उसके बाद मेरा वाणिज्य कर निरीक्षक पद पे चयन हुआ, तब से मैं जबलपुर में कार्यरत हूँ। तो अनुराग जी, ये तो बड़ा अच्छा आपने जैसे बताया, दो बार मतलब आप PSC में सेलेक्ट हो चुके हैं, वर्तमान में आप CTI पद पे हैं। तो ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, आप तैयारी आप कैसे आपने शुरू की, किस तरीके से शुरुआत, मतलब उस समय, अभी वर्तमान जो समय है अभी भी आप तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप अपना शुरू से बताइए कैसे आपने तैयारी शुरू की, उसका एक पूरा पृष्ठभूमि क्या रही। जी मैं सन 2006 में मैं भोपाल में इंजीनियरिंग करने पहुंचा, बंसल इंस्टीट्यूट से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मैंने डिग्री हासिल की। फिर उसके बाद 3 वर्ष तक मैं अपने कैरियर के लिए मैं ये सोचता रहा कि मैं कौन से किस तरफ जाऊं, जैसे कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स भी उस वक्त चालू मतलब काम कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर्स में भी मैंने इंटरव्यू दिया, एक दो जगह चयन हुआ, पर उसके बाद ये समझ में आया कि अपने ही राज्य में रहकर किसी शासकीय पद पे कार्य कर किया जाए, वो ज्यादा कुछ अपने परिवार के बीच अपने लोगों के बीच रहकर काम करने का आप तो जानते हैं कि क्या उसका अनुभव है, क्या एहसास होता है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने SSC की तैयारी शुरू की। उसी दौरान SSC की तैयारी करते करते SSC में कुछ ऐसा समय आया कि SSC को भी थोड़ा वक्त लगा अपनी चीजें रिजल्ट क्लियर करने में। उसी बीच MPPSC की 2013 की भर्ती के फॉर्म आए, उस फॉर्म को जिस संस्थान में मैं जाता था पढ़ने, तो वहां पे उन लोगों ने बोला कि वहां पे काफी चर्चा में था कि ये फॉर्म भरा जाए, है ना, क्योंकि उस बार कुछ सीटों की संख्या भी ज्यादा थी। तो फिर उसमें मैंने वो वाला फॉर्म भरा MPPSC 2013 वाला, उसमें मैं अपीयर हुआ। तो फिर धीरे धीरे ये समझ में आया कि SSC की परीक्षा से मतलब एक ही परीक्षा तो मैं से पहले कठिन मानता था काफी अपने लेवल पर, मुझे ऐसा लगता था कि इसमें चयन पता नहीं किनका होता होगा, बहुत ही कम लोग मुझे उससे पहले मिले जिनका MPPSC में चयन हुआ, बहुत ही कम लोगों से बहुत कम सीखने को देखने को, और ये चीज एक तरीके से मेरे लिए कठिन ही थी, उस वक्त मैं इसे कठिन मानता था। जैसे इसकी SSC के बारे में मैं बता दूं कि SSC में काफी मतलब एग्जाम पैटर्न उसका बहुत सिंपल है कि आपको अंग्रेजी, आपकी गणित, आपकी रीजनिंग, आपको ये 3 विषय में काम करना है, और एक GS में आपको एक काम चलाऊ, एक कहते ना कि नॉर्मल सी स्थिति आप उस समय बना लेते थे अगर, तो आपका चयन इसमें हो जाता था। ये थी इसकी टीयर 1 की व्यवस्था। फिर टीयर 2 में इसमें अंग्रेजी और मैथ, तो इसका GK से कोई लेना देना नहीं था इसमें, मतलब इतिहास, अपना सामान्य विज्ञान, अपना ये संविधान, इन सबका कोई भी
विशेष स्थान नहीं था उसमें, ये ताकि आपको एक हल्की फुल्की जानकारी हो तो उसमें आप उसमें उस परीक्षा में आप अपना बैलेंस बना सकते थे। तो मैं उस परीक्षा में चालू की अपनी तैयारी, लेकिन कुछ कारणोंवश सन 2013 की एसएससी की भर्ती विवादों में घिर गई। तो वहां पे उसको अचानक से जब टीयर वन की परीक्षा हुई तो अचानक से एक ब्रेक मिल गया, ब्रेक लग गया और मुझे एक समय मिल गया। तो उसी बीच मैंने फिर एमपीपीएससी को थोड़ा सा जानने समझने की कोशिश की। मैं जहाँ जिस संस्थान में पढ़ने जाता था तो वहाँ पे उन लोगों ने मुझे काफ़ी कुछ टेस्ट लगवाए, काफ़ी मैं टेस्ट से शुरू किया। जैसे जब मैंने शुरुआत की तो 100 में से 20-25 क्वेश्चन बने मुझसे, फिर धीरे 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 मैंने उसको इम्प्रूव किया। धीरे धीरे ये समझ में आया कि यह परीक्षा एक बेहतर कैरियर और एक अपने ही प्रदेश में आपको एक स्थान दे देती है, जिससे आप अपने घर से भी नज़दीक रह सकते हैं और आप अपने कार्यों को भी बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं और एक गरिमा का भी थोड़ा सा आपको एहसास उसमें हो सकता है कि आपके पद की कुछ गरिमा है। तो सर मतलब एसएससी से आपने तैयारी शुरू की और आप जाके एमपीपीएससी में आप रुके और वहां पे आपने सफलता अर्जित की। सर कितने बार आपने अभी मतलब मैं बात करूं तो अभी जैसे आप सीटीआई पद पे हैं, उससे पहले भी आप सहकारिता निरीक्षक पद पे रहे थे, मतलब 2 बार आपने इंटरव्यू क्लियर किया है, तो मोटिवेशन आपको कहां से आया कि एमपीपीएससी करना है? तो उसकी लंबी प्रक्रिया है, प्रीलिम्स है, मेंस है और पूरा सिलेबस है, फिर इंटरव्यू है ना, तो उस समय पे कैसे आपने मोटिवेशन आपका क्या था उस समय का? जी मोटिवेशन की अगर बात करें तो 90% समय तो मैं सेल्फ मोटिवेटेड ही रहा हूँ। मैंने अपने से ही सारी चीज़ों को ज़्यादातर सुधारा है, सीखा है, क्योंकि ये परीक्षा किसी दूसरे को कॉपी करने वाली परीक्षा तो है नहीं। इसमें आप खुद ही अपनी गलतियों की आप एनालिसिस करिए। खुद ही मैंने अपनी गलतियों को मतलब खुद से एनालिसिस किया कि मुझसे अगर इतिहास की चीज़ें नहीं बन रही तो मैंने इतिहास पे ज़्यादा काम किया। फिर मैंने ऐसे ही टाइम वाइज मैंने ये देखा कि मुझसे सी सैट में मैं काफ़ी अच्छा कर सकता हूँ। उस वक्त अगर आपको मालूम हो उस वक्त सी सैट को जोड़कर इसका कट ऑफ बनाया जाता था, तो सी सैट एक ऐसा विषय था कि मैं एसएससी की तैयारी तो कर ही रहा था तो वहाँ पे मेरी गणित और रीजनिंग का सेक्टर काफ़ी मजबूत हो चुका था, तो उसका बेनिफिट मैंने इधर पे इसका इस्तेमाल किया। अब जैसे बात चलती है कि किसी सब्जेक्ट का क्रमिक विकास कैसे होता है एक व्यक्ति के अंदर, तो वो ऐसे होता है कि मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको पहले कि एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के कई हिस्से होते हैं, आपको कोई एक पर्टिकुलर हिस्से में दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपको पूरा सब्जेक्ट जो है आप उस पर कम फोकस करते हैं, तो बेहतर ये होता है कि आप उसको चिन्हित करें उस छोटे से हिस्से को कि जो जैसे मान लीजिए कि अगर मैं संविधान की बात करूं तो कुछ लोगों को मौलिक अधिकार में समस्या होती है, संविधान के शुरुआती जो संविधान का जो ढांचा क्रिएट हुआ है उस पर समस्या होती है, बाकी संविधान को आगे फिर अपने को सिर्फ समझना है, तो अगर हम उस ढांचे को सुधार लें तो हमारा पूरा संविधान सुधर सकता है। इस प्रकार से मैंने सब्जेक्ट दर सब्जेक्ट इम्प्रूव किया है और फिर आज आप मतलब देख सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट सभी सब्जेक्टों का एक समाकलन नहीं है परीक्षा। तो मतलब कुल मिला के खुद सेल्फ मोटिवेशन ही एक अपने आप लंबी प्रक्रिया है, आप 2 मिनट का वीडियो और ये देख के और आप अपने आप खुद 24 घंटे मोटिवेशन नहीं दे सकते, लंबे टाइम तक मोटिवेशन नहीं दे सकते हैं। तो यदि कोई अभ्यर्थी नया है या जो कर रहे हैं अभी, चूंकि आपका एक्सपीरियंस है, तो शुरुआत कैसी करनी चाहिए? मतलब जैसे आदमी शुरू करता है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ लोग नॉर्मल पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो एक शुरुआत कैसी होनी चाहिए? एक विद्यार्थी यदि कोई शुरू करना चाहता है तो सही समय क्या है उसका? क्या ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन से ही उसको शुरू कर देना चाहिए या क्या इसकी मतलब शुरुआत कैसी हो? एक सीधा सा मैं ये जानना चाहूंगा आपसे। शुरुआती दौर की बात की जाए अगर तो इस परीक्षा में सन 2012 की एमपीपीएससी में कुछ विवाद थे जिसकी वजह से मुझे भी इस परीक्षा में 2013 वाली बैच में ही काफी समय मिला। तो इसका मतलब ये कि समय तो लगता है। बिल्कुल। अब मान लीजिए कि सारी चीजें बहुत अच्छी रफ्तार से अच्छी गति से अगर सारी चीजें हो रही हैं प्री मेंस इंटरव्यू, तो फिर आपको उसके बीच में सुधारने का ज्यादा समय नहीं मिलता है। तो बेहतर ये है कि इसकी शुरुआत अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही चालू हो जाए मेरी समझ से, क्योंकि वहां पर क्या आप सब्जेक्ट के साथ आप बाकी ग्रेजुएशन में भी बाकी कुछ ना कुछ सब्जेक्ट तो पढ़ते रहते हैं और साथ में ही आपको काफी समय भी मिलता है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई अपने को बहुत ही सीमित समय के लिए करनी होती है, उसी बीच आप इसमें भी आप अगर 2-4 घंटे दिन में निकालते हैं तो आपका एक स्ट्रांग बेस वहां से क्रिएट होता है। उसमें आपको ये समय मिलता है कि भाई कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, मैं किस पे ज्यादा काम कर सकूं, सब चीजें सोचने समझने का काफी समय मिलता है। तो सबसे बेहतर समय होता है कि आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही आप इसको पहले तो ये कैरियर ऑप्शन चुने, फिर कैरियर ऑप्शन के बाद आप उसमें फिर उसको तैयारी करें। एक बार आपका चुनाव सही हो जाए कि मुझे ये करना है तो फिर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहती है।
बाकी फिर बहुत से ऐसे भी हमारे पास उदाहरण हमने देखे हैं अपने कैरियर में कि लोग 40 साल में भी सिलेक्ट हो रहे हैं, लोग 35 साल में भी सिलेक्ट हो रहे हैं। तो मैं अन्य लोगों के लिए मैं कुछ भी ऐसा कुछ वो नहीं कहना चाहता कि किसी ने अगर देर से शुरुआत की है तो वो कुछ गलत है, बिल्कुल, लेकिन ये है कि उनको फिर थोड़ा समय अपने लिए निकालना पड़ेगा। मतलब कहने का ऐसा है कि जब जागो तभी सवेरा, जब आपने डिसाइड कर लिया कि अब अभी करना है, गोल डिसाइड है, तो आप कर लेंगे। और सिलेबस का कितना इम्पोर्टेंस है, किसी बच्चे के पास सिलेबस होना कितना जरूरी है, इस बारे में थोड़ा सा। सिलेबस का इम्पोर्टेंट बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंसान के जीवन के लिए ऑक्सीजन, जी जी, प्राणवायु, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो उस कॉम्पिटिशन का प्राणवायु है सिलेबस। हम अगर एक सिलेबस को उठाते हैं उसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखते हैं, बहुत सारे की पॉइंट्स होते हैं सिलेबस में। अगर उदाहरण के तौर पर बात की जाए तो मैं अगर विज्ञान की बात करूं तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है इस समय पेपर 3 में साइंस है, साइंस का पहला टॉपिक है फिजिक्स। फिजिक्स में ऐसे फिर लिखा है कि गुरुत्वाकर्षण बल, बल, कार्य, ऊर्जा। हाँ, हाँ। तो ये मतलब ये हमारी लाइन है, इस लाइन के आधार पर ही हमें एक के बाद एक हमें उसे खत्म करना है। तो सिलेबस का अर्थ बिल्कुल वही है कि जैसे वो एक ऑक्सीजन ही है। हाँ, हाँ। जैसे इंसान को ऑक्सीजन की जरूरत, मतलब आपको जीना है तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। आपको तैयारी करनी है, वो कोई भी कोर्स हो, पीएससी हो, एसएससी हो, जेई हो, या जो भी तैयारियां हैं, तो सिलेबस आपके लिए प्राणवायु के समान है, है ना। तो सर, और एक जैसे एमबीपीएससी से ही मैं रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि प्री और मेंस का एक वो चलता है कि हर कोचिंग संस्थान या हर व्यक्ति का अपना अलग वो होता है, कुछ बोलते नहीं प्रीलिम्स जरूरी है क्योंकि वो तो भाई कार्ड है, मतलब शुरुआत ही है वो। अभी मैं जो हमारे डिप्टी कलेक्टर है 9th रैंक तिवारी जी, तो उनका मैं एक सुन रहा था, तो उन्होंने बताया कि मतलब प्रीलिम्स तो ऐसा है कि एक इनविटेशन कार्ड है शादी का, उसे आपको परमिशन मिलती है, लेकिन मेन जो काम है वो आपको मेंस में करना पड़ेगा। तो तैयारी का जो है कि प्रीलिम्स और मेंस, तो इसको सामंजस्य कैसे बैठाया जाए, कितने मतलब, या अपन 100% किसी को बात करें तो कितना परसेंट टाइम प्रीलिम्स के लिए होना चाहिए और कितना परसेंट टाइम जो है मेंस के लिए होना चाहिए, तो इस पे थोड़ा बताया सर। मेरी समझ से जितना मैंने देखा है अभी तक, तो किसी भी कैंडिडेट को सर्वप्रथम अपने मेंस की ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपके टोटल जो मार्क्स हैं, पूर्णांक जिसके आधार पर आपको कोई पद मिलना है, उसमें एक मेंस का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर आप कहते हैं कि आप अगर आपने प्री से शुरुआत किया और प्री निकलता भी है, लेकिन अंतिम में आपको वो मेंस का वो जो पूरा पड़ाव है वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसको तो पार करना ही है, तो बेहतर ये होगा कि आप मेंस से शुरू करें और मेंस का संपूर्ण सिलेबस जो है वो प्री से रिलेटेड है, उसमें कोई अंतर ही नहीं है। तो आप एक अच्छा खासा समय लीजिए अपने लिए, जैसे कि अगर मैं कहूं कि आप अगर सोच रहे हैं कि आप 3 महीने में कर सकते हैं मेंस, तो आप उसके लिए 6 महीने समय लीजिए। एक नोटिफिकेशन से दूसरे नोटिफिकेशन में तो ये तो सभी को पता है कि कितने समय का अंतर होता है, तो आप उसमें डबल टाइम लीजिए। हाँ। और मेंस से शुरुआत करिए, बीच बीच में जैसे कि अब मैं बात करूं कि प्री के कोई कीवर्ड्स मिलते जाते हैं, तो आप उसको एक सेपरेट 2 कॉपीज बनाइए। आपने इतिहास की एक कॉपी बनाई, इतिहास में एक पैरेलल एक कॉपी और चलने दीजिए, जिसमें प्री के हिसाब से आप कीवर्ड्स नोट करते जाइए और इधर आप मेंस के हिसाब से पूरी तैयारी करते, सिलेबस दर सिलेबस, सिलेबस को बिल्कुल, सिलेबस से अपने को भटकना नहीं है। क्योंकि आज अगर हम देखें कि इतने सारे लेखक हैं, उन्होंने इतिहास में ही न जाने आपको हजारों पुस्तकें मिल जाएंगी जो कि आपको कहीं किसी और दिशा में भी ले जा सकती हैं, कि आप उसमें आप इतिहास में पीएचडी भी करने लायक हो जाएं, लेकिन हमें वहां पे पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। हमें एक सामान्य ज्ञान के तौर पर ये सब्जेक्ट रखे गए हैं, उसे एक सामान्य ज्ञान के तौर पर ही इसे स्वीकार करना है या ग्रहण करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलिए, ये बातें तो हो गई पढ़ाई की, अब बात आती है कि प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। मतलब अभी तो हमने ये बात की कि मतलब अपन सिलेबस ले ले, ये कर ले, ऐसा कर ले। अभी अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूँ। अभी हाल ही में अनुराग सर का जो है तो फॉरेस्ट का इंटरव्यू था, और कल इन्होंने मतलब जो है तो करा, फ्राइडे को उनका इंटरव्यू था सर का, आज संडे आप इतवारी मोटिवेशन सुन रहे हैं, तो फ्राइडे इंटरव्यू था, तो आप समझ सकते हैं कि 13 में आप सेलेक्ट हुए हैं और अभी आप कर रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, है ना। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि वर्तमान समय जब आपने 13 में पास किया होगा तो ऑनलाइन का उतना जमाना नहीं रहा होगा, ऑफलाइन ही ज्यादा चर चीजें थी, है ना। लेकिन अभी ऐसा है कि हर चीज मोबाइल में उपलब्ध है, तो ये ऑफलाइन या ऑनलाइन आप किसको ज्यादा प्रेफर करना चाहेंगे, और थोड़ा सा ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन का फायदा क्या है, नुकसान तो लगभग हर व्यक्ति को पता है, मैं ऑनलाइन का फायदा जानना चाहूंगा कि मोबाइल जुड़ा हुआ है नेट से तो वो कैसे मतलब यहाँ पे जरूरी होगा, तो इस बारे में थोड़ा सा जो है तो आप प्रकाश डालें कि कैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन में मैनेज किया जाए, और कैसे 2013 में आपने किस तरीके से ऑफलाइन और कैसे ये चीजें की, तो इसमें थोड़ा सा आप बताएं सर।
चंदन जी मैं आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझाता हूँ इसके बारे में। बिल्कुल, कि जब मैंने जब शुरू किया तब अगर देखा जाए तो वो दो ऑप्शनल वाला मेंस था। बिल्कुल, वो दो ऑप्शनल वाला पैटर्न था उस वक्त। तो उस वक्त इतनी सारी चीजें हमें ऑनलाइन कंटेंट इतना अवेलेबल नहीं था जी। या उसकी मुझे जानकारी भी बहुत कम थी। मुझे ये लगता था कि मैं अगर इसको सिर्फ ऑनलाइन मैं अगर मोबाइल को देख रहा हूँ तो शायद मेरा समय जा रहा है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता था। तो मैं कुछ किताबों से कुछ नोट से मैं ऐसे मैंने अपने सिलेबस को उस वक्त मैंने टैकल किया था जी। बिल्कुल, उस वक्त इतने कंटेंट इतने एडुकेटर इतने ट्यूटर्स अवेलेबल भी नहीं थे। ये तो सही बात है, क्योंकि इसकी मैंने देखा है कि ये जनरली कोरोना काल के बाद से ज्यादा और सारे लोग लगभग इसमें आ चुके हैं। बिल्कुल, जितने भी बड़े बड़े इसमें नाम है सारे लोग अभी कोरोना के बाद से ही आए हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी हमें इसमें मतलब दोनों प्रकार से हमें अपने को बैलेंस करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आज भी किताब पढ़ना पसंद है, लेकिन सिर्फ किताब के बेसिस पे अगर हम कहें तो सिर्फ किताब किताब पढ़ते रह जाएंगे। अगर आप तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं किताब पढ़ते वक्त भी, कई कई बार हमारा कॉन्सेंट्रेशन किताब पढ़ते वक्त भी लूज होता है, तो उसमें हमारी कई सारी चीजें निकल जाती हैं। तो हमें मतलब श्रुति और दृष्टि अपने दोनों को मेंटेन रखनी है। श्रुति से मतलब हमारा ऑनलाइन कंटेंट और दृष्टि से मतलब कि हमारी किताबें। बिल्कुल, इन दोनों के बीच में हमें एक सम्यक दृष्टिकोण रखना चाहिए, सम्यक एक संतुलन बनाकर ही हम इस चीजों को आज के युग में हम कर सकते हैं। क्योंकि आज हमें ऐसा हम किताब पढ़ने जाए तो हमें मान लीजिए कि अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने के लिए एक घंटे लग रहे हैं, वही चीज किसी ऑनलाइन वीडियो में हमें 15 मिनट में भी मिल सकती है। तो ये समय का भी आपको समय का भी और अपने अपनी रुचि का भी आप अपने को दोनों का उसका बैलेंस बनाना है। बिल्कुल, अगर आप दोनों में बैलेंस बनाने में सक्षम है तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई आपको इस इन चीजों में तैयारी करने से कोई रोक सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आपके पास सबसे पहले तो सिलेबस आपके पास आ गया, आपने तय कर लिया लक्ष्य कि ये लक्ष्य है, उस लक्ष्य का सिलेबस आपके पास आ गया। अब आप उसको बुक से भी कर सकते हैं और जो की पॉइंट है ना गूगल पे भी या यूट्यूब पे भी, दोनों पे आप उसको मैनेज कर सकते हैं ना। किताबें भी अपनी जरूरी है लेकिन नए अपडेट रहने के लिए आपके पास ऑनलाइन कंटेंट का भी उपयोग होना चाहिए, है ना। और दूसरी जो चीजें हैं कुछ और इस बारे में आप बताना चाहें तो क्या होता है कि ऑनलाइन कंटेंट में क्या होता है कि हम हमारी एक मेहनत होती है, जैसे कि हम कई सारी परीक्षाओं का हम अगर वहां पर तुलना करने बैठे कि किसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, और इसमें हमारा काफी समय जा सकता है कि ऐसे बहुत से पेपर होते हैं जैसे कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में हर राज्य की पीएससी के पेपर, तो उससे वो ट्रेंड पता चलता है कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऑनलाइन होने की वजह से ये होता है कि वो ट्रेंड वहां पर काफी आपको पता करने की जरूरत नहीं है, आपको सारे पेपर खंगालने की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई ऐसा एडुकेटर मिलेगा आपको जो कि सारे पेपर्स का आपको एक निचोड़ आपको सामने रख सकता है। बिल्कुल, तो इसमें आपका एक समय मेरे हिसाब से आज समय की सबसे ज्यादा वैल्यू है। तो जहां पे समय की वैल्यू एडिशन करनी है तो आप ऑनलाइन में चले जाइए, और सेल्फ वैल्यू एडिशन करनी है तो आप किताब पे चले जाए। तो दोनों का आपको बैलेंस बनाना बिल्कुल बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो ये बातें तो ऐसी हो गई कि मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में आपने बता दिया कैसे हमें उसे मैनेज करना है। लेकिन जब भी बात ऑनलाइन की आती है, मोबाइल की आती है, तो लैपटॉप कंप्यूटर हर चीज़ इंटरनेट की मैं सीधी सी बात करूं तो डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। और बच्चा डिस्ट्रैक्शन बचने के साथ पहले डिस्ट्रैक्शन तो बच्चे को लगता है कि घर मतलब मैं घर में हूं, तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। एक माहौल का वो रहता है, एक बड़ा इशू चल रहा है जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं कि नहीं जिसको पढ़ना होता है तो कहीं से पढ़ लेता है, वो तो गुफाओं में रह के पढ़ लेगा, है ना। लेकिन सर ऐसा है कि एक माहौल तो चाहिए होता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि माहौल जरूरी है। और माहौल जब बच्चा माहौल में आता है तो एक दूसरा भी माहौल होता है ना। जैसे जो इंजीनियर्स होते हैं, मतलब हर व्यक्ति, इंजीनियर्स को मैं दोष नहीं देना चाहूंगा, हर व्यक्ति मतलब माहौल जम गया है तो वो भी माहौल होता है। तो एक सिविल सर्विसेज का माहौल है, परीक्षा का माहौल, और ये फिर आप किसी और शहर गए, वहाँ की संस्कृति क्या है, आप किस परिपाटी से आए हुए हैं, एक ओपन एरिया मिलता है आपको, वहाँ पे आपके गार्जियन नहीं है, कोई देखने वाला कोई रोकने वाला नहीं है आपको। तो कैसे डिस्ट्रैक्शन को मैनेज किया जाए, और क्या डिस्ट्रैक्शन आपको क्या लगता है कि वर्तमान जो अभी ये जनरेशन है तो किस तरीके से वो डिस्ट्रैक्ट हो रही है अपने लक्ष्यों से, अपने टारगेट से, तो थोड़ा इसमें मैं जानना चाहूँगा क्योंकि आपके पास अनुभव है और आप अभी भी नौकरी के साथ बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हैं और अभी क्या चीजें बच्चों को करनी चाहिए इस पे थोड़ा सा। काफी अच्छी बात, काफी अच्छा प्रश्न पूछा है। ऐसा प्रश्न लगभग कई बार लोग पूछते हैं और कई कई बार मैं खुद सोचता हूँ इसके बारे में कि मैं कभी कभी मैं खुद भी इसमें फंसता हूँ। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि आप चीजों से दूर तो नहीं रह सकते आज के मौजूदा परिदृश्य में। बिल्कुल, लेकिन
सबसे महत्वपूर्ण चीज है, देखिए डिस्ट्रैक्शन ऐसा है कि डिस्ट्रैक्शन आपको किसी भी वक्त आ सकता है। देखिए कई प्रकार के आप कंपटीशन, कई प्रकार के चैलेंजेस आप हर दिन झेलते हैं, आप सड़क पे निकलते हैं, आपको है ना, आपको कई सारे लोग किसी चाय के ठेले में आपको हंसते खेलते मिलेंगे और आपको लगेगा कि यार वो भी पढ़ने वाला है, मैं भी पढ़ रहा हूँ लेकिन मैं चिंतित हूँ, मैं गंभीर हूँ, ये भी एक प्रकार का आपको ये लगेगा कि यार वो कैसे इतना खुश है। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरे प्रकार का डिस्ट्रैक्शन ऐसा होता है कि जो कि अनअवॉइडेबल है कि आपके घर से मान लीजिए कि अगर कोई समस्याएं आती हैं, मान लीजिए आप किसी एक दूसरे शहर में आप तैयारी कर रहे हैं और आपके परिवार में किसी की तबीयत खराब है, ये तो अनअवॉइडेबल सिचुएशन होती है। यहाँ पे आपका इमोशनली थोड़ा ब्रेकडाउन होना वो तो जाहिर सी बात है कि आता ही है। तो मेरा कहना ये है, मेरा ओवरऑल मतलब ये कहना कि एक सिविल सेवक के अंदर एक गुण होता है, इसमें कहते हैं ना कि वो उतना ही इमोशनल हो सकता है, उतनी उसको परमिशन मिलती है कि जहां तक किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति का नुकसान ना हो। और यहां पर तो आपके खुद के नुकसान की बात होती है। ऐसे डिस्ट्रक्शंस में, जैसे कोई अदर डिस्ट्रक्शन है, मैं अनअवॉइडेबल डिस्ट्रक्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, अनअवॉइडेबल डिस्ट्रक्शंस वो आप नहीं, उसको बिल्कुल नहीं बदल सकते, लेकिन जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं, तो ये चीज आपके लिए एक वैधानिक चेतावनी के तौर पर है कि भाई आपको उसको कितना इस्तेमाल करना है। चीजें तो होती हैं, मानसिक जो उतार चढ़ाव, मेंटल ब्रेकडाउन, ये सब आते जाते रहते हैं, इसमें से वही एक गुण है जो इससे बार बार उभर के वापस खड़ा हो, यही एक सिविल सेवक का एक सबसे बेहतरीन गुण है। बिल्कुल, ये चीज मैं इसके बारे में इसलिए कहना चाहूंगा कि आपको सिविल सेवा तो करनी है लेकिन उसके गुण को भी अपने अंदर लाना पड़ेगा। बिल्कुल, ये प्रोसेस तैयारी से ही आपकी शुरू होती है। बिल्कुल, तो उसको आप आत्मसात करते चले जाइए, आपके साथ कभी दिक्कत नहीं है। अब जैसे डिस्ट्रैक्शन, जैसे एक मोबाइल का भी है, मतलब सोशल मीडिया आजकल तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, बहुत सारी चीजें हैं, उसमें आदमी बहुत समय, मतलब मैं देखता हूँ कि रील्स चलने लगती है तो फिर आदमी रुकता नहीं है, हाथ नहीं रोक पाता है, जबकि पढ़ाई में उल्टा होता है, जब पढ़ने लगते हैं लगता है अरे यार कितना पढ़ना है, अभी 5 मिनट ही पढ़े अपन, टाइमर 1 घंटे का लगा हुआ है, तो मतलब ये इसे रोके कैसे, कोई ऐसा कुछ है निंजा टेक्निक यदि हो कोई ऐसी, या मतलब कुछ ऐसा जो आप बताना चाहें कि कैसे अपने हाथ को रोकें, कैसे मन को रोकें कि भाई रुक जा अब पढ़ लेते हैं अपन, सिलेबस इतना बचा हुआ है, जीवन का सवाल है, तो इसके बारे में थोड़ा सा निंजा कुछ ऐसे आपके पास कोई अस्त्र शस्त्र हो तो बताइए आप। हमारे सनातन धर्म में चंदन जी आपने हमेशा देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, वो तपस्या कर रहे हैं और उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की हमेशा कोशिश की जाती थी, ये ऐसे कई उदाहरण है आपके सामने, लेकिन वहां पे उनके एक डिटर्मिनेशन को आप देखेंगे अगर कि वो लगे रहते थे, वो वापस लौटते थे, वो डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होते थे, तीन ऑप्शन रहते, वो लगे रहते थे, जो डिस्ट्रैक्ट हुआ उसकी तपस्या भंग। तो यह एक तपस्या का ही एक रूप है मेरी समझ से। और डिस्ट्रैक्शन देखिए आते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आपको अपडेट नहीं रहना है, आप अपडेट भी रहिए, आपके दोस्त यार क्या कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है, लेकिन एक निश्चित समय आप उसके लिए तय करें अपने जीवन में कि आपको अगर मोबाइल देखना है आप देखिए, लेकिन आपका एक निश्चित समय हर चीज का होना चाहिए। जैसे मैं कहूंगा कि अगर आपको, अगर कोई मुझसे, ऐसे बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, ये पहला सवाल होता है किसी एक जमाने में, तो अगर मैं उनको बोल दूं कि नहीं मैं 20 घंटे पढ़ता था तो ये गलत बात है। 20 घंटे मैंने कभी नहीं पढ़ा, 15 घंटे भी कभी नहीं पढ़ा, मैंने हमेशा एक मॉडरेट लेवल पे लेता था चीजों को, मैं अच्छी एक नींद लेता था 7-8 घंटे, 7-8 घंटे मेरा कांस्टेंट एक रहता था कि मेरे को 7-8 घंटे पढ़ने हैं, फिर उसके बाद का समय है कि भाई मैं दोस्तों के साथ भी घूमता था, सबसे मिलता भी था अपना, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हालांकि मैं उसका उतना आदी नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं उसको भी निश्चित रेगुलर तौर पर देखता था, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ना देखा हो, लेकिन मैंने अपना जो मैंने एक निर्धारण कर रखा था उस टास्क को मैं पूरा करने के बाद ही मैं इसमें आता हूँ। अब एक दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी पर जोड़ते हुए कि एक होता है टाइम ऑफ स्टडी, एक होता है इफेक्टिव टाइम ऑफ स्टडी, ये दोनों के अभी एक आपको अध्ययन, ये आपको खुद से ही पता चलेगा, इसके बारे में आपको खुद देखना पड़ेगा, खुद को मॉनिटर करना पड़ेगा कि अगर मैं 1 घंटा पढ़ रहा हूँ उसमें मैं कितने देर तक मैं कॉन्सेंट्रेट रहा। बिल्कुल, ये भी एक सवाल है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, किताब लेकर तो बैठे रहते हैं जैसे, लेकिन दिमाग नहीं हो रहा। मैं थोड़ा सा वो करना चाहूंगा कि अभी जैसे ऐसा है कि लाइब्रेरी में लोग 12 घंटे की लाइब्रेरी लेते हैं तो नहीं लगता कि मैं 12 घंटे में 10 तो पढ़ ही रहा हूँ कम से कम, तो ये जैसा पता है बिल्कुल यही शायद वही कॉन्सेप्ट है ये, है ना जी। मतलब मैंने कई बार जब मैंने शुरुआती तौर पर जब अपनी इस चीज को मैंने टेस्ट किया तो मुझे ये भी पता चला कि मैं 1 घंटे तो बैठा लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड इफेक्टिव टाइम ऑफ स्टडी मेरी हार्डली 10 या 15 मिनट्स की थी। फिर मैं इस पे काम करना शुरू किया, धीरे धीरे इंप्रूव किया, जहां मेरे अंदर डिस्ट्रैक्शन का भाव आता था, जहां मेरा मन नहीं लगता था, मैं वहीं पर उस चीज को रोककर
पांच मिनट के लिए मैं ब्रेक ले लेता था। धीरे 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 इस टाइम को बढ़ाते गया। हाँ, हाँ। फिर एक समय आता कि फिर आपका इफेक्टिव टाइम ऑफ स्टडी बढ़ता चला जाता है। अभी आज के डेट में अगर मैं बोलूंगा कि मैं 8 घंटे मैंने किया, तो 8 घंटे मेरा इफेक्टिव टाइम 4 या 5 घंटे ही था। बिल्कुल, ये सबसे गहरा सत्य है, इसे स्वीकार मतलब मैं भी करता हूँ और इसे सबको करना चाहिए। तो वो चीज आपको करनी पड़ेगी, अपने प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि खुद के प्रति आप ईमानदार रहें। किताब खोल के टेबल में बैठे रहने से कुर्सी लगा के आप पढ़ नहीं, ऐसा नहीं कि मतलब आप आ रही विद्या नहीं, आप ये देखिए कितना टाइम आपका इफेक्टिव है। और जैसा सर ने बताया कि हर 1 घंटे या 45 मिनट है, जितना भी आपका निश्चित फोकस टाइम एक आपका होगा, आप पढ़ सकते हैं। मोबाइल साइलेंट करिए और लग जाइए उसमें, और फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिए, थोड़ा उठिए, कुर्सी छोड़िए, और जो भी आप थोड़ा बहुत एक्टिविटी करिए उसके बाद आप उसमें लग जाइए। तो ये कुछ बातें हुई। अब एक मुझे मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि हर परीक्षा में 2 तरह के अभ्यर्थी होते हैं, एक तो फेल होते हैं, एक पास होते हैं, और हमेशा फेल अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा होती है क्योंकि सीट एक लिमिटेड सीट आती है, उन सीटों में ही भर्ती होती है, और ज्यादातर व्यक्ति जो है तो असफल ही होते हैं। तो कितना प्रभाव डालता है व्यक्ति का सफल होना दूसरे का असफल होना, तो इसे कैसे देखते हैं? अभी क्या असफलता मतलब ऐसा है कि नकार देती है आपको कि नहीं आप कुछ नहीं कर पाएंगे, या कुछ उसमें हम सीख भी सकते हैं असफलता से? तो एक बड़ा इम्पैक्ट है क्योंकि अभी हाल ही में रिजल्ट भी आया है, पटवारी का रिजल्ट आया हुआ है, पीएससी का रिजल्ट 2020 का मीन्स मतलब फाइनल रिजल्ट आया, अभी और रिजल्ट आने वाले हैं। तो जो असफल विद्यार्थी उनके लिए कुछ आप बताना चाहें, या सफलता और असफलता को कैसे मैनेज करें, इन बिंदुओं पर कुछ आप यदि बताना चाहें सर? एक किसी बड़े फेमस पर्सनालिटी का एक कोट है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, कि या तो मैं जीतता हूं या तो मैं सीखता हूं। जी। हमें परीक्षा किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए हमें एक ये धारणा बनानी चाहिए कि अगर मैं फेल हो रहा हूं तो उसके कुछ कारण होंगे, उन कारणों को चिन्हित करना बहुत आवश्यक है। जैसे आपने ये देखा होगा कि निरंतर सभी परीक्षाओं के कट ऑफ जो है ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हर प्रत्येक वर्ष वो अपना एक एक लेवल ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये कि हमारे जितने भी परीक्षार्थी सब सकारात्मक दिशा में तैयारी कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा नंबर पाने वालों की संख्या भी ज्यादा है। और उसमें एक फेल हुआ व्यक्ति, फेल होना जनरली ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है कि कोई भी व्यक्ति कभी फेल हो सकता है। मैं भी अपने जीवन में कई बार फेल भी हुआ हूं, मैं इतना कुछ करने के बाद भी मैं 2019 कपरी भी नहीं निकल पाया। तो इससे मतलब ये था कि वहां पर मुझे यहाँ पर ये लगा कि यार कि अब यहाँ पर हमें इसे क्या कैसे सुधार सकता हूँ मैं। तो बेसिकली चीजें अपने साथ ही होती हैं, कमी भी हमारे अंदर है और अच्छाई भी हमारे अंदर है, हमें उस कमियों को ढूंढना है उस परीक्षा में कि हमने क्या कमी रखी। अगर आप फोकस करते हैं ना तो उसमें आपको फिर पास होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे मैंने शायद मुझे पूरा तो नहीं थोड़ा वो है, लेकिन शायद अब्दुल कलाम जी का वो है कि फेल मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, ऐसा कुछ ऐसा आसपास में शायद इसके हुए ना। और एक कुछ ऐसा वो भी है कि मतलब असफलता एक वो है, मतलब ये ऐसा पता करिए कि क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। कमी जानना मतलब बहुत जरूरी है। चलिए बातें बहुत लंबी हो रही हैं, शायद हमको लगता है कि काफी लंबी तैयारी होगी इस बार की, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगेगा और हम कोशिश करेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और है, जल्दी से अपन क्वेश्चन करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन ये है, अब जो कि जो एस्पिरेंट हैं, जो लोग लगे हुए हैं, क्योंकि हर एज ग्रुप के लोग इसमें आ चुके हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि हमें अपनी ड्रीम जॉब पानी है। तो एक अभ्यर्थी जो है, एक एस्पिरेंट जो है, तो कैसे खुद को मोटिवेट रखे, उसके बारे में कुछ जानकारी। सबसे महत्वपूर्ण इसका एक प्रैक्टिकल मैं आपको तरीका बता देता हूं कि आप समय समय पर परीक्षाएं देते रहें, मॉक टेस्ट के रूप में आप देते रहें, अपने लेवल को सरल से लेकर कठिन तक लेते जाएं। धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि आपके अंदर, जाहिर सी बात है कि कहीं हर परीक्षा में कुछ सरल क्वेश्चन आते हैं, कुछ कठिन क्वेश्चन आते हैं, हम कठिन बना ले जाते हैं, कई बार सरल नहीं कर पाते, तो हमें दोनों में बराबर ध्यान रखना है। और उसको करने के लिए आप बीच बीच में अपनी इवैल्यूएशन खुद से करें। आपका इवैल्यूएशन करने के लिए कोई भी, सबसे बेहतर जो व्यक्ति है वो आप खुद हैं। बिल्कुल। अपना इवैल्यूएशन आप बार बार करते रहें, और उसमें आपके नंबर बढ़ते तो आप उसे सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। बिल्कुल। ये आपको मोटिवेशन का काम करता रहेगा, और आप उस दिशा में चलें जैसे कि हर एक दिन आपको कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव निकालना है। बिल्कुल। तैयारी के दौरान हर एक प्रत्येक दिन में आपको एक ना एक पॉजिटिव पॉइंट अपने उससे तैयारी के दौरान से निकालना, और एक निगेटिव को खत्म करते जाइए। बिल्कुल। दोनों चीजों को बराबर, आप दो, एक रेल की दो पटरियां हैं, वो एक बराबर चलती हैं, ये भी एक साथ चला गया, ये भी आपके साथ हमेशा, या तो आप सफल असफल ये भी आपके साथ चलता रहेगा साथ में पैरेलल, या आपका कमी और आपकी अच्छाई ये भी दोनों आपके साथ ही चलती हैं। बिल्कुल। इन दोनों के बीच में आपको संतुलन बनाना है। बिल्कुल। तभी एक रेल अपने ठिकाने पर पहुंच पाती है। बिल्कुल। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है,
और कहीं किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई कमी नहीं है। हाँ, हाँ। कोई ऐसी मौलिक कमी नहीं है कि आप सिविल सेवक नहीं बन सकते। बिल्कुल, ऐसा मेरा मानना है। सब ऐसी कमियां हैं जिसे सुधारा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब अपनी कमियों पे काम करते रहें और हाँ थोड़े संगीत हमें सुनते रहिए। मतलब ऐसा है कि थोड़ा सेलिब्रेट करते रहिए, उसको एंजॉय करते रहिए। आप वीकली टारगेट बनाइए और उसको एंजॉय भी करिए कि हाँ मैं अब ठीक है, 10 की फुल्की खा लीजिए, मतलब लेकिन है कि हाँ आइसक्रीम खा लीजिए और एक नंबर आपने ज्यादा किया, आपकी स्टडी अच्छी रही, आपने की पॉइंट बना ली, की नोट बना ली, आप रिविजन कर रहे हैं, तो अपने आपको मतलब उपहार भी दीजिए, गिफ्ट दीजिए कि हाँ ये मैंने किया, अब मैं इसका हकदार हूँ। तो वो चीजें होनी चाहिए। चलिए ये कुछ बातें रही है ना, अब थोड़ा सा रैपिड फायर खेला जाए जल्दी से। कुछ 5-6 क्वेश्चन मेरे मन में आ रहे थे तो मैं वो पूछना चाहूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि भैया जल्दी से बिल्कुल एकदम बताते चले, है ना। तो सर पहला क्वेश्चन है कि आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? जी मेरे प्रेरणा स्रोत, सबसे पहले प्रेरणा स्रोत MBBSC के लिए या मेरे आज के करियर के लिए मेरे नाना जी हैं जी। और मेरी माता जी, ये दोनों सर्विस में हैं, मैंने दोनों इनको देखा। और एक किसी सिविल सेवक की अगर मैं बात करूं तो श्री रविंद्र मणि त्रिपाठी जी, जो कि आज डिप्टी डायरेक्टर स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर में हैं। अच्छा। वो मेरे प्रेरणा स्रोत। बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपका फेवरेट फूड क्या है, क्या खाना पसंद करते हैं आप? जी मुझे बिल्कुल नॉर्थ इंडियन फूड और हमारे रीवा में जो देसी हमारा जितना भी भोजन होता है। हाँ। कढ़ी चावल। अच्छा। ये सब मुझे काफी ज्यादा पसंद है। चोखा और पनियाथी रोटी के बारे में बताना चाहेंगे? जी जी हाँ, मैंने इसे भी बहुत खाया है। हाँ, हाँ। और बहुत पसंद है मुझे, लेकिन अब मुझे अब यहाँ पे मिलता नहीं है। अच्छा, तो मैं काफी मैं उसके लिए परेशान हूँ। अच्छा, लेकिन मैं पसंद है मुझे। और अगला क्वेश्चन है कि आप क्या देखना पसंद करते हैं, मूवी और क्या सुनना पसंद करते हैं आप? तो ये मूवी और मतलब क्या देखना और क्या सुनना पसंद करते हैं आप? जी मैं अक्सर मैं वेब सीरीज सारी लगभग मैं कवर करता हूँ जितना मुझे समय मिलता है। अभी आपकी लेटेस्ट कौन सी मूवी आपने देखी? अभी मैंने सबसे लेटेस्ट में मैंने सिर्फ एक बंदा काफी है, मनोज वाजपेयी द्वारा अभिनीत। अच्छा। मूवी मैंने वो देखी, काफी मुझे अच्छी लगी। हाँ, हाँ, हाँ। तो ऐसे मैं देखता रहता हूँ जो मुझे पसंद आता है। मैं टीवी चलाता हूँ, 15 मिनट देखता हूँ, अगर मुझे अच्छे लगते तो मैं उसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। अच्छा, जी क्या आपको गाने सुनने भी पसंद है? गाने सुनने मुझे, मैं दिन रात मतलब मैं जब अकेले रहता हूँ, कभी ट्रेन में ट्रेवल करता हूँ, तो या तो मैं कुछ पढ़ता हूँ या तो मैं म्यूजिक गाने ही सुनता हूँ। नए गाने हनी सिंह के आते हैं या जो रपचिक वाले वो सुनते हैं आप, गजलें या मतलब पुराने गाने सुनते हैं आप? जी नहीं मतलब मुझे रैप तो उतना समझ में नहीं आता, हालांकि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं जनरली मैं पुराने गाने और प्लस जो मेरे फेवरेट्स हैं जैसे कि AR रहमान। हाँ। मैं इनके गाने और अरिजीत सिंह। हाँ। और अमित मिश्रा। हाँ। इन लोगों के गाने मैं कभी कभी सुनता रहता हूँ। बिल्कुल। फिर आपकी सर हॉबी क्या रही? अभी जैसे सिविल सर्विसेज में भी आपका जब इंटरव्यू आपने दिया होगा, अभी फॉरेस्ट का आप इंटरव्यू दिए, तो वो भी एक क्वेश्चन, लेकिन हॉबी क्या है आप? मेरी हॉबी, वहां पे तो मुझसे पूछा गया था इंटरव्यू में कि आपकी हॉबी क्या है, तो मैंने उन्हें बताया कि क्रिकेट देखना और खेलना। हाँ। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे नकार दिया क्योंकि ये जनरली बहुत 90% लोगों की हॉबी, लेकिन मेरी हॉबी आज भी क्रिकेट देखना एवं खेलना। बिल्कुल। मैं अपने टीम का कैप्टन भी हूँ। हाँ, हाँ। अपने जिले में। बिल्कुल। और प्लस मैं अक्सर मैं टीवी पर क्रिकेट मैच जब भी होता है। हाँ, हाँ। भारत का अगर मैच है। हाँ। तो मैं जरूर देखता हूँ। बिल्कुल। मतलब फिजिकली फिट रहने के लिए भी क्रिकेट बहुत जरूरी होगा आपके लिए। खेल किसी भी रूप में आपके लिए बहुत जरूरी, फिजिकली फिटनेस सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो ये सब खेल, गाना, संगीत और खाना सब चीजें हो गई। अब एक बहुत ही मतलब पुराने जमाने का सवाल है, पुराने जमाने की टेक्निक है, अभी वर्तमान में बहुत अच्छे स्तर पे आ गई है, लोग फिर से उस ओर जा रहे हैं। तो एक एस्पिरेंट के रूप में पूछना चाहूँ, क्या आप योग और व्यायाम पे भी मतलब आप करते हैं क्या? जी मतलब हमें एक निश्चित कहते ना कि किसी लक्ष्य के लिए बिल्कुल हमें बहुत सारी चीजें जोड़नी पड़ती हैं। हाँ। जोड़ने का मतलब होता है योग। बिल्कुल। अच्छा। और तो ये योग हमेशा हर एक जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में एक योगा का स्थान होना चाहिए। हाँ। तो मैं बेसिकली मैं योगा तो मैं अक्सर मैं 20 मिनट का समय जरूर निकालता हूँ अपने जीवन में। बिल्कुल। और ये मैं चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति इससे जुड़े और अपना समय निकाले। योग करने से आपका अपने दिमाग में एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है और ध्यान करने से हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। बिल्कुल। तो हर एक व्यक्ति को निश्चित तौर पर ये करना चाहिए, मतलब एक एस्पिरेंट के लिए मेमोराइज करना कि जिसको बहुत जरूरी होता है, और योगा के माध्यम से वो अपने माइंड को शार्प कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो आज की तिवारी का जो आखिरी क्वेश्चन मैं सर से जानना चाहूंगा वो ये है कि मूल मंत्र क्या हो, एक एस्पिरेंट है उसके लिए 2 पॉइंट मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सी 2 क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए कि वो सफल हो सकता है। तो ये 2 आप कोई मूल मंत्र बताना चाहें तो। जी जरूर। सबसे महत्वपूर्ण होता है परसीवरेंस। बिल्कुल। परसीवरेंस से आप अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आप डटे रहते हैं, दृढ़ता इसे हिंदी में कहा जाता है। और दूसरा है मेरे हिसाब से सेल्फ मोटिवेशन, कि आप बीच बीच में अपने आप को मोटिवेट करें स्वयं। आपके लिए कोई नहीं आएगा,
सब आपके कंपटीशन की भावना अगर है, अगर आज लोगों के बीच में, तो वो आपको कोई भी मोटिवेट करने नहीं आएगा, वो खुद से ही मोटिवेट होना पड़ेगा। ये दो महत्वपूर्ण चीजें, बाकी ऐसे अन्य कई सारी चीजें कि आपको लगातार हार्डवर्क, ये सारी चीजें तो है ही है आपके साथ, कि हार्ड वर्क करिए, धैर्य रखिए, सारी चीजें आपके पक्ष में होगी, आप सही दिशा में चलें, ये सारी बातें तो हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मैंने दो पॉइंट आपको बता दिए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सर का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा सर हमसे जुड़ने के लिए। हमारा बहुत ही छोटा सा परिवार है, लेकिन आप हमसे जुड़े और आपने इतना समय दिया। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हुआ है आपका इतवारी मोटिवेशन, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इसे पसंद करेंगे। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका यहाँ पे आने के लिए। जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम मुझे भी कुछ रूबरू होने का मौका मिला। जी धन्यवाद। तो चलिए बढ़िया है, आप लोग देखिए सुनिए और बताइए, कुछ सुधार भी हो तो आप बता सकते हैं हमें, और इसे आप पूरा सुनिए देखिए, है ना। ये हमारा नया प्रयास था कि मैं थोड़ा ऐसा इतवारी करूं, कुछ और सुझाव आपके हो तो आप हमें बता सकते हैं, है ना। तो चलिए बढ़िया है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती। और जैसा सर ने भी आज कहा है कि आपको खुद से सीखना है, खुद से मोटिवेट रहना है और परसिवरेंस आपके अंदर होना चाहिए, सभी चीजें हैं, है ना। तो लगे रहिए, कोशिश करते रहिए और इतवारी मोटिवेशन को अपना स्नेह प्रदान करते रहिए, और आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक भी जरूर शेयर करें। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतवारी मोटिवेशन को पूरा सुनने के लिए।